भूत शिफ्ट होंगे ज़ैनब, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, वैसी बात आपके साथ चल रही है, ये दरवाजा है और चलो इधर से निकलो। ये क्या किया हुआ है कपड़े मेरे, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें पहले उतारी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। गोल्ड और सिल्वर मेडल आई आई। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। प्लस आज हम लोग करने वाले हैं रूम शिफ्टिंग, ये आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप ही की शादी को थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बल्कि काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं सोची थी आज करूँगी शिफ्टिंग, कल करूँगी, लेकिन ठंड की वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज मैं थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेजी हो रही थी। तो आज हम लोग करेंगे आपी का सारा सामान उसके रूम से निकालेंगे और अपने प्यारे से रूम को अलविदा कहने का टाइम हो रहा है। अब वो वाला रूम आपी का रूम नहीं, मेरा रूम होगा। सो हम लोग सामान निकालते हैं, शिफ्टिंग करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। रिश्तों के भी रूप बदलते तो भाई अभी हम लोग क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके ना आपी की सारी चीज़ें, जितना भी आपी ने इस पूरे रूम में कहते हैं ना गंद और काचू कूड़ा भरा हुआ है, हमें पहले वो सारा निकालना है और फिर सेटिंग करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई नहीं, बुक्स बाद में छोड़ेंगे, सबसे पहले हमें ये सेटअप खाली करना है, इसमें अपना मेकअप जोड़ेंगे और आपको फिर कभी अपना मेकअप वैनिटी टूर भी कराऊंगी, बिकॉज वो भी एक अलग चीज़ है, वो आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी हम सारी चीज़ें निकालते हैं आपी की, और आपी ने स्पेशल फरमाइश किया कि मेरा जितना भी सामान है ना हीरा, प्लीज़ 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 वो बॉक्सेस में पैक कर दो, बिकॉज मुझे अपने घर में लेके जाना है, शिफ्ट करना है। तो हम उसके लिए भी आसानी करते हैं कि भाई उसका जितना भी यहाँ पे सामान है ना, हम बड़े बड़े कर्टन्स मंगवाते हैं पापा से और उसमें डालते हैं और देखते हैं कि क्या था। अभी तो इसने बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो सारी चीज़ें हम खाली करते हैं। ओके गाइस, सर ड्रॉर खाली करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है, मुझे मिल रहा है यहाँ पे ब्रांड न्यू मेकअप टाइप चीज़ें, अच्छे अच्छे ब्रशेज जो मैं सोची थी खरीदूंगी। अगर तो यहाँ पे वीडियो नहीं देखेगी तो इन पर आप कब्ज़ा मेरा है, ठीक है। सो ये अब हम लोग अपनी कुछ चीज़ें साइड पर करते हैं और जो चीज़ें आप ही को चाहिए वो पैक करते हैं। माय गॉड, ज़रा ये ज्वेलरी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी ज़रूरत पड़ी थी ना जब शादी की, तो मुझे ना ज्वेलरी मिल नहीं रही थी और ये अभी मुझे इतनी क्लासिक वाली ज्वेलरी मिली है ना आपी के रूम से, और ये मुझे तब मिली होती तो शायद मैंने ये वेयर कर ली होती, ठीक है। अभी हम सारी ज्वेलरी ना एक साइड पे करेंगे। आपी ने ना ऐसे किया हुआ सामान सारा, कोई इधर घुसाया हुआ कोई उधर घुसाया हुआ, उसको खुद नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अभी ये सारी ज्वेलरी हम मामा के हैंड ओवर करेंगे, अभी और भी इतनी पड़ी हुई है यहाँ पर। हर बॉक्स खोलने पर आपको मिलेगी ज्वेलरी, ठीक है, हर अलमारी खोलने पर आपको मिलेगी एक बुक, हर डिब्बा खोलने पे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ मेकअप का सामान, चाहे वो जरूरी हो या ना हो, लेकिन दिस इज व्हाट आपी इज। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ मेकअप का सामान मिला है हमें, ये हम साइड पे रख रहे हैं, अभी हम बॉक्स में डालेंगे। और यहाँ पे ना आपी ने बड़े प्यारे तरीके से ये लगाया था, मुझे ये भी मिल गई है, तो यहाँ पे ना हम खुद भी इसे लगा लेते हैं, इस पर हम लगाएंगे अपनी ज्वेलरी। यहाँ पे हमारी एसेंशियल्स रखेंगे, बाकी हम इनर अलमारी में लगाएंगे। ऊपर लग गया ज्यादा, खैर अब उतरेगा भी नहीं। नीचे से ज़ैनब आ रही है, अब देखते हैं उसका रिएक्शन कि भाई हम सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी सारी भगदड़ बचाने के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा ज्वेलरी मिली आपी के रूम से, देखो तो सही। ये आपी का सारा सामान नहीं है, ये आप ही का ही है सारे, सिर्फ ये दो अभी ड्रॉर्स खाली किए मैंने और इतना कुछ निकला है अंदर से, ये देखो पूरी सेल लगी हुई है। यहाँ पे कौन भूत शिफ्ट होंगे ज़ैनब, मैं शिफ्ट हो रही हूँ, वैसी बात आपके साथ शिफ्ट। नो, किड्स आर नॉट अलाउड, सॉरी यार प्लीज, नहीं मैं आपके साथ हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये अभी तो सिर्फ ये दो ड्रॉर्स हैं जो मैंने खाली किए, मामा को मामा से हेल्प चाहिए होगी, मुझे मैं अकेली नहीं कर सकती, अभी ये भी खाली करने हैं, ये भी और इसके नीचे जो ड्रॉर्स है अभी वो भी खाली करने हैं, तो मैं हेल्प कर देती हूं। पक्का? फिर मुझे अपने साथ जल्दी निकलो बाहर, निकलो बाहर। मैं रहती नीचे हूं, बस मैं मूवी देखने ऊपर आती हूं, सोने का काम मेरा ऊपर सफाई करने का, क्यों मुझे सफाई करने का शौक है। इधर मेरी बात नहीं, मैंने कहा ही नहीं है, बात तो सुनो मेरी बात। नहीं, अरे एक सेकंड इधर आओ, बात तो सुन लो ना, यार अपने बात छोड़ के एक चीज दिखानी है, एक चीज दिखानी है, देखो ये दरवाजा है और चलो इधर से निकलो ज़ैनब, मेरा और आपका कमरा।
नहीं, इट्स माइन, अब नहीं मैंने किसी को देना। आप मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे अपने रूममेट रखोगी ना, मैं आपका सचमुच बहुत प्यारा, मुझे किसी की रूममेट ही मैं सच में बहुत प्यारा बना, मैं इसको भी जब आना होगा यू आर मोस्ट वेलकम, अभी निकलो बाहर, लेकिन मैं सफाई कर देती हूँ, मैं कर लूंगी, नहीं बस मुझे मामा की हेल्प चाहिए, निकलो अभी इधर से, दिल कर रहा है यार। अभी हम लोग यहाँ पे ना कुछ और भी सारा कुछ सर्च करते हैं, फिर दिखाती हूँ। ओके तो लुक एट हर, मैंने उसको बोला हेल्प कर दे, लेकिन मैंने गाना लगाने लगी हूँ, अब मैं हेल्प करूंगी। अभी मैं आप ही की चीजें सब अंदर डाल रही हूँ, जो जो उसको चाहिए, जो जो उसको मेकअप, मैं जरा इसकी ट्रांजिशन सबको दिखाना पसंद करूंगी इसकी। हाँ, बिफोर आफ्टर की, जी हाँ, ये बीच में मैं ब्लॉग ना नहीं, सिर्फ सिर्फ साइड इसकी इसकी मैं इसको सेट करूंगी बड़े कमाल तरीके से, चेक कर लीजिए चीज। अच्छा, अब ये चेंज हो जाएगा गाइस, ये मैं सेट करूंगी और ज़ैनब का कोई कमाल नहीं होगा इसमें। मैं बता रही हूँ, मैं सेट करूंगी। हीरा भी एक काम मुझे दे दो, दोनों का राज होना चाहिए, या ये दोनों मुझे दो या एक ही मुझे। चलो तुम्हें ये दिया, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें रहने को नहीं मिलेगा। मैं फातिमा से पूछ के तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, रह सकती हूँ, कहती छुट्टी करो, तो मेरी तरफ से भी आपको छुट्टी करो। नहीं, आप मैं जरा रेस्ट कीजिएगा, सेट करूंगी क्या आप? चलो ठीक है, ये वाली तुम्हें दी, ये वाला तुम सेट करोगी, ठीक है? दोनों आप, तो मैडम ने बाहर लगा दी है सॉन्ग और अंदर मेरी हेल्प कराने लगी हुई है इस टाइम, पता नहीं क्यों इस लालच में लगी हुई है। तुम्हें पता है जब रूम खाली हो जाएगा ना, इसमें आवाज देखना थोड़ी गूंजेगी। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर द मूवमेंट, या अभी नहीं, पहले खाली कर लो फिर। यार ये उतर ही नहीं रहा, और इसको ये जो ये ना, मैं बताती हूँ उसको ना, मैंने लगा लिया तीन ऑलरेडी इस पे, देखो तो देखो, और भी लगा सकती हूँ ऊपर, इतनी ऊपर चढ़ के उतारे के कौन बार बार स्टूल लाओगे मेरे? यार मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ से उतार सकती हूँ, यार मुझे ना लगता है सरफ चाहिए इसको उतारने के लिए, तो वो वॉशरूम में, तो वॉशरूम मारे ना, तुम अभी से खारिज हो, आइए खारिज के होते ही ना, अभी नहीं आए बाद में करूंगी, क्योंकि भाई मैं रोबोट नहीं, मेरे से इतना काम नहीं होगा। क्या तुमसे पूछा है किसी ने? मैं इधर आ रही हूँ शिफ्ट होने। ओके गाइस, आधा घंटा पहले भी हम इसी स्टेज पे थे और अभी भी इधर ही हैं, लेकिन इतना कुछ समेटने के बाद भी कुछ नहीं समेटा हुआ लग रहा, और अब हम लोग चूहा घुस के ना अंदर से सफाई कर रहे हैं। पापी ने पता नहीं कौन कौन से शूज संभाल के रखे हुए हैं, उसके कौन कौन से बैग्स हैं, इतने ज्यादा कपड़े हैं जो के अंदर घुसे पड़े हैं। पापी चीजें चोरी हो रही हैं तुम्हारी। यार मुझे याद आ गई, पापी ने रिफाई के लिए लाया था, लेकिन उनको पूरा नहीं आया, सब याद है सब, ठीक है, ज़ैनब को पूरा आ जाएगा, राइट? फुटबॉल खेलने के लिए था, मैं खेलती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, उसे खुद से खेल, वो आ गया आपके हाथों में, इट्स परफ्यूम बेबी। चलो अब जल्दी करो, सारी चीजें निकाल दो, इसके शूज निकालो, यहाँ से ये वाले कपड़े निकालो, और इधर देखना जरा, इधर ऑलरेडी इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आई कांट टेल यू, तो अभी ये भी खाली करते हैं। आई फाउंड समथिंग गाइस, जब से मेरा दुबई में बैग घुमाया ना मेकअप वाला, मैं ब्रशेस के पीछे पागल हुई हूँ, क्योंकि मेरे ब्रशेस खत्म हुए हैं, आई थिंक इट्स गोना हेल्प। टूट गई है, चलो फिर नहीं टूटी नहीं है, टूटी नहीं है, ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है, इसको जोड़ लेना, ठीक है। मेरी बहन ने ऐसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखी हुई है, जो अब मैं पढ़ रही हूँ तो वो 2023 में एक्सपायर हो चुकी हैं, और बिल्कुल बॉक्स पैक है, और आई डोंट नो अब इनका करना क्या है, तो देखते हैं और क्या क्या हमें ऐसा मिलता है जिसपे हमें होगा, शिट काश यूज कर लेते हैं। हाँ बॉबडी लग रही है, बॉबडी। हाँ ओके गाइज, गेस व्हाट आई फाउंड, एक ये वाली हैट और साथ में ये बैग, मुझे समझ नहीं आ रही बैंजाना। मेरी बहन ने ये किस लिए सेव करके रखा है? पख्तून बैंजाना, ये पख्तून नहीं, पिशावर। हाँ भाई, जब आप नॉर्दर्न विजिट करते हो ना, तो ये बेस्ट चीज़ है, और ये भी, ये आप ही ने इसमें पिक्चर्स ली थी, राइट? तो हम भी इसको किसी पिक्चर में यूज करेंगे। हमारी कैंट में भी सामान है काफी, आपने अपनी मोटी मोटी जैकेटें यहाँ लटकाई हैं, देखी हैं? जो जैकेटें मैंने लटकाई है ना, लटकी रहने दे, ही कहूंगी जो जैकेटें मैंने
ओके गाइस, तो वहाँ पे मैंने अपना कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रही। अभी मैं पहले यहाँ से, मेरा दिमाग घूम रहा है इतना देखे तो सही, यहाँ पे कितना ज्यादा वो मचा हुआ है गंद, ठीक है, और मेरा दिमाग घूम रहा है। ओ माय गॉड जी, आपी के शादी के कपड़े यहाँ पे निकले हैं, आपी का ढोलकी का ड्रेस है, ज़ैनब डोंट यू डेयर, तुम इसको कुछ नहीं कर सकती, उसके कपड़े हैं, शराफत से पैक कर दो। किधर चली तू? ये आपी का ढोलकी का है और ये उसका ब्राइडल शावर का ड्रेस है, ये दिखाओ जरा। सारे हम इसको भी ना इन बॉक्सेस में जो सारे मंगवा के रखे हैं, काफी लंबा है और बहुत प्यारा ड्रेस है ये, तो हम इनको बॉक्सेस में पैक करते हैं सारे ड्रेसेस को, और जब वो आएगी तो उसके हैंड ओवर करेंगे। एक न्यूज़ देनी थी तुम्हें, चेक करो, सामान सारा तुम्हारा हम लोग निकाल रहे हैं, मुझे बताओ कपड़े कौन कौन से रखने हैं। आप ही यार, आप थाईलैंड में घूम क्यों नहीं रही हो? नहीं नहीं, अब बाहर निकले, मजा आ रहा है बहुत यार, घूमो, मेरी फेवरेट प्लेस है, वहाँ मैंने जाना था एक जिंदगी में। तुम्हारी ये इधर याद आ रही है? चलो, एक लेके आई हूँ बल्कि तुम ये पागल वहां लेके जाती, इतनी प्यारी लगनी थी। अब मुझे तुम वैसे ये बताओ, तुमने ये किस खुशी में संभाल के रखा? पख्तून किस लिए? मुझे किसी मेरे उस्ताद ने गिफ्ट दिया था, मैंने कहा फरजान ने इतने प्यार से दिया। मैं थाईलैंड के ड्रामास देखती हूँ इतने ज्यादा, और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, मुझे जाना है वहाँ पे एक दिन। बेटा आप सोना, रात को नींद में जरूर थाईलैंड नजर आएगा, ठीक है? अगली दफा मुझे लेकर जाएगी आपके साथ। आप ही नीड योर हेल्प, मैंने पूछना था जो इधर कपड़े पड़े हुए इतने ज्यादा, उनका क्या करूँ, लेने हैं या नहीं? लेने हैं, लेने हैं कपड़े मेरे, तुम कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें पहले तारी, मेरी बुक्स तुम साइड पे, मैं आपकी ये चप्पल ले रही हूँ, अपने घर पे रखूंगी मैं आपकी ये चप्पल ले रही हूँ, एक बुक्स भी चाहिए, बुक्स तो इतनी, चप्पल 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 कौन सी, मुझे दिखा के लेना, दिखा दो, ये मैंने इसको मना किया। इतनी आई बड़ी पिटाई करने वाली, मुझे फुटबॉल के जूते भी मिले हैं। शिफ्टिंग नहीं कर रहे, सामान पैक कर रहे हैं सारा, तुम्हारे लिए आसानी है जी, बॉक्सेस में बना के सारा, ये देखो सारा मेकअप तुम्हारे लिए मैंने इसमें तुम्हारा रख दिया है, अभी और भी जो अच्छा अच्छा काम का मेकअप, काफी सामान रख रहे हैं। कपड़ों की समझ नहीं आ रही कि वो तुमने यहाँ पे रखने हैं या फिर लेके जाने अपने साथ। नहीं मतलब तुमने वहाँ के लिए नए ले लिए या हमें वो दान कर दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। हमें दान नहीं करने, आप यार थाईलैंड के लोगों से मिलो, बस कर दो, क्या है। सो गाइस, आप के जितने भी कपड़े थे ना, मुझे कोई बैग नहीं मिला, तो मैंने इस टाइप का तोड़ा निकाल के उसमें रख लिया, और जो मेकअप लवर्स हैं वो ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब किसी के हाथ में मेकअप लगे ना तो वो, ये क्या किया हुआ है मामा, मैंने किया है ये सारा गंद, आप ही का मचाया हुआ है जो वो छोड़ गई है सारा, उसमें मेरी क्या गलती है? खुद ही समेटती, तुम गंद डाल के बैठ गई। मेरी भी उससे कॉल पे बात हुई है, मैंने मैंने समेटना था, मैंने नहीं शिफ्ट होना, जिक्रा को फायदा हो जाएगा, हर चीज उसकी तय करके रखो। हाँ मैं उसका पेयर पेयर बना के कुछ जमा किया हुआ था, अल्लाह तो और क्या मम्मा, इतना सारा देखे अभी आधा पानी की मसाल क्या है, पान कपड़े नहीं थे रखने की जगह नहीं। एग्जैक्टली, लड़कियों के पास जितने ज्यादा कपड़े हो ना, उनको लगता है कि भाई हमारे पास कम है, और अभी भी मुझे ना सीरियसली दिमाग घूम रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल कर लूँ बाकी, लेकिन नहीं कल नहीं, आज ही करना है सब कुछ, और मेरी अम्मा जो है खुद समेट रही है कपड़े। तो भाई एक बॉक्स जो है वो आपी का फुली रेडी हो चुका है, जिसमें मामा ने मेरी हेल्प की है, वरना शायद सारी रात लगी रहती मैं और ना हो पाता मुझसे। जूतों के डिब्बे लाओ, जूतों डिब्बे, शूज भी बॉक्सेस में, मम्मा ने कहा कि शूज भी बॉक्सेस में डालो, और क्या टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है गाइस, सोने का टाइम हो रहा है। ओके गाइस, तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद जब मैं बजा था ना यहाँ पे, वो तो क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो कवर्स हैं वो खाली हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी गेस व्हाट 10% भी आपकी की पैकिंग नहीं हुई है। और गुड न्यूज़ यह है कि मैं भी सोने का ब्रेक ले रही हूँ, और जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो मैं कल सुबह करने वाली हूँ, बिकॉज आपको बताया था हम थोड़ा सा लेज़ी, तो भाई सुबह करूँगी, क्योंकि ये मेरे बस, मैंने देख लिया कि ये एक बंदे का काम नहीं है, और दूसरा ये कि ये एक दिन का काम नहीं है, मतलब ये काफ़ी टाइम लगेगा इस पे, और फिर कहीं जाके ये समेटा समाटी होगी। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो के पैक होने वाली रहती हैं, अभी इधर उधर गंद इसी तरह से ही बिखरा हुआ है, बट गाइज इग्नोर दिस, कल मिलती हूँ आपसे। ओके गाइज, तो मैं सो के फ्रेश हो गई थी, अब मेरे में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, मैंने सोचा कि जो बाकी सारी चीज़ें रह गई थी ना शिफ्टिंग के लिए, आपकी का जो सामान पैक करना था
ये को मैंने डोर खोला, इसमें इसने वो इतने कपड़े रखे हुए हैं, आई डोंट नो ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। और मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है ना मामा, मेरे दिल को पता है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मेरा सारा सामान यहाँ फेंक दिया गया, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे चलते चलते किसी ने ना घर से मेरा सामान फेंक के कहा है जा सिमरन दफा हो जाए इधर से। बगैर बताए फातिमा ने सारा मेरा सामान इधर इधर, मेरी सारी बुक्स, और आई कॉन्ट टेल यू कि इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने आप ही का जितना भी सामान था ना वो बहुत अच्छे तरीके से ना पैक करके रखा हुआ था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से ये रूम खाली करते हैं ताकि मैं अपना जो मेरा जो मैं लावारिस हुई हुई ना अभी बाहर, मेरा सामान लावारिसों की तरह पड़ा हुआ है, वो हम अपना सामान अंदर लेके आए और उनको इन जगहों पर फिक्स करें। फिलहाल ये कैबिनेट्स भी खाली हुए हैं लाइक दिस। ओके गाइस, तो ये जो सामान था हमने कुछ इसमें शिफ्ट कर लिया है, कुछ इसमें शिफ्ट कर लिया जो मैंने मंगवाए थे स्पेशल आपी के लिए। और मुझे ना यहाँ पे ना अपना मेकअप बैग नहीं मिल रहा, मुझे ना नजर नहीं आ रहा मेकअप। फातिमा यार मेरा मेकअप वाला पाउच का पता है? मेरे मेकअप वाले पाउच का पता? नहीं। ये क्या है, क्या छुपा रही हो? मेरा मेकअप नहीं। फातिमा ये कोई बिहेवियर है तुम्हारा, दिखाओ। और ये अगर अभी गिरती ना, तुमने मेरी लास्ट टाइम याद है पैलेट तोड़ी थी, और मुझे अभी तक गाइस इसने वो दिलवाई नहीं है, इसने तोड़ दी थी और इसने दिलवाई नहीं। यूज नहीं करना था, मैं सिर्फ देखने के लिए लाई थी, मुंह पे मेकअप थोप के देखने के लिए लाई थी। दराज में से किया है मेकअप, झूठ। हाँ जी फातिमा, झूठ पे झूठ, हर चीज मेरे दराज में पड़ी है, मैंने वो वाला मेकअप किया, मैं पागल हूँ ये वाला मेकअप। इसमें से मुझे कोई मस्कारा ढूंढ के दिखाओ। मैंने लगाया येलो, ये मेरा है, इसमें पड़ा हुआ है ना, ऐसे नहीं करो। ये मेरा न्यू वाला है, पागल है तुम्हारा, झूठ ना बोलो मेरे साथ। उठाओ इसे और रखो, इसको छुपा क्यों रही ये बता, क्या मतलब छुपा क्यों रही थी? पता नहीं, थी ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये मैंने कब छुपाया था, तो मैं तुम्हें दिखाती। दे दो वापस जल्दी जल्दी, अब अपने ही मेकअप से तुम मेकअप करना, मेरे से नहीं। तुम मेरे मेकअप का हमेशा मिस यूज करती हो, रखा है चाहे आज। तुमने एक दफा भी रहम नहीं किया, सामान वहाँ पे फेंका तुमने इतनी बेदर्दी से। उसमें सिर्फ चार पांच चीजें तुम्हारी है, बाकी सब डस्टबिन में जाने वाली है। अच्छा ठीक है, इनमें से मैंने आप कुछ कुछ चीजें अपनी ऐसी है जो दिखाऊंगी, फिर आपने डिसाइड करना है कि डस्टबिन में जाने वाला है कि नहीं। उसमें मेरे कुछ गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हैं, कुछ गोल्ड है, मैं कहना था ऐसा क्या जो मेरे हाथ में छूट गया, तुम डस्टबिन में फेंको। गोल्ड और सिल्वर मेडल्स खैर वो मेरे बड़े दिल के करीब है, सो वो भी दिखाऊंगी। वो भी ये भी कोई दुकान से खुद खरीदे हुए हैं? नहीं वो वाले नहीं खरीदे, वो मेरे अपने, आई अर्न इट यार, वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर कभी। ये चीजें अपनी समेट गाइस, इन सब चीजों का आइडिया और एस्टिमेट लगाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि शिफ्टिंग करना ना आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक तो किसी की चीजें तरीके से बाहर निकाल के रखना और अपनी चीजें वापस शिफ्ट करना इज नॉट एन इजी टास्क, मुझे देख के मेरी कान पे टांग रही है कि मैं कैसे करूंगी ये सब। गाइस तो यहाँ पे इतनी ज्यादा बुक्स थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पढ़ने वाली कौन सी हैं और रखने वाली कौन सी हैं और देने वाली कौन सी हैं। फिर भी कर करा के जो भी हुआ सारा देखें, यहाँ से सारा नीट क्लीन कर लिया, लेकिन अभी भी 100% डन नहीं हुआ है। सो ऐसा ऐसा करते हैं, आपको अपडेट देती रहूंगी अपने रूम का मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। इसमें से कुछ चीज़ें भी चेंज होंगी, यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग्स होंगी, यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग्स होने वाली हैं। आई थिंक ये वाली पेंटिंग आप ही लेके जाएगी, बिकॉज उसने अपने हाथों से पेंट की थी और यहाँ पे उसने अपना नाम भी लिखा हुआ है। तो जब वो ले जाएगी तो फिर हम यहाँ के लिए भी कुछ सोचेंगे। तब तक के लिए इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।